अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू खान किचन। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ चिकन फ्राई की रेसिपी। चिकन फ्राई सभी को बहुत पसंद होती है, बाहर से क्रिस्प और अंदर से सॉफ्ट। तो चलिए शुरू करते हैं इस मज़ेदार रेसिपी को बनाना। इसके लिए मैंने 500 ग्राम चिकन पीसेस के लिए हैं, जिसे धुलकर मैंने साफ़ कर लिए हैं। अब इसमें हम डालेंगे एक छोटा चम्मच नमक, एक छोटा चम्मच लहसुन का पेस्ट, एक छोटा चम्मच अदरक का पेस्ट, एक छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, एक छोटा चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच ज़ीरा पाउडर, एक छोटा चम्मच कश्मीरी रेड चिली पाउडर, एक छोटा चम्मच चाट मसाला। अब डालेंगे दो बड़े चम्मच काढ़ा दही। दही हमारा बिल्कुल गाढ़ा होना चाहिए। अब इन सब मसालों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मसाले अच्छी तरह से मिक्स हो चुके हैं। इसमें ऐड करेंगे एक चुटकी रेड फूड कलर। ये ऑप्शनल है, पर फूड कलर डालने से चिकन का कलर अच्छा दिखाई देता है। और साथ ही में डालेंगे एक बड़ा चम्मच कॉर्नफ्लावर, एक बड़ा चम्मच मैदा और एक अंडा। फिर से इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब इसे ढककर आधे घंटे के लिए मैरिनेट होने दें। ये आधा छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर है, इसे भी डालकर मिक्स कर लें। आप इसे पहले ही मसालों के साथ डालें, मैं ये भूल गई थी इसलिए अभी ऐड कर रही हूँ। आधा घंटा हो चुका है, अब एक कढ़ाई ले, इसमें डालेंगे तेल और अच्छी तरह तेल को गर्म होने दें। तेल गर्म हो चुका है, अब इसमें एक एक करके चिकन के पीसेस को डालें। पहले हम शुरू के 3 से 4 मिनट तेज आंच पर चिकन को फ्राई करेंगे, उसके बाद चिकन को पलट लें और आंच धीमी कर लें और पकने दें। धीमी आंच पर 3 से 4 मिनट पकने दें। इसके बाद फिर आंच तेज करके इसे बिल्कुल क्रिस्प और अच्छा डार्क कलर आने तक फ्राई कर लें। ये देखिए, ये चिकन फ्राई हो चुका है और इसका कलर भी बहुत अच्छा लग रहा है। अब इसे निकाल लें और इसी तरह बाकी के पीसेस को भी फ्राई कर लें। अब इसे सर्व करने के लिए एक प्लेट में इसे रखें और इसे प्रेजेंट करने के लिए कुछ धनिया की पत्ती को साइड में रखें और स्लाइस की हुई कुछ प्याज रखें और एक लीमू को काट कर रखें। तो देखा आपने कितना लाजवाब चिकन फ्राई खाने के लिए तैयार है। और ये देखिए, ये अंदर से भी बिल्कुल अच्छी तरह से पक गया है, बाहर से क्रिस्प और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट है ये। तो आप भी इस चिकन फ्राई की रेसिपी को ज़रूर बनाइएगा। मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन ज़रूर दबाएं, मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और खान किचन को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।